प्रिय अभ्यर्थियों, नीति शास्त्र को समझने के पश्चात तथा महापुरुषों, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा को किस प्रकार से आपको समझना है, उसके पश्चात अब हम लोग बातचीत करेंगे कि मानवीय मूल्यों के पोषण में परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का क्या रोल होता है। यहाँ से भी आपको एक अच्छी समझ बनानी होगी, जिससे कि आप यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको बेहतर ढंग से लिख लें। तो प्रिय विद्यार्थी, आइए देखें कि मानवीय मूल्यों के पोषण में, आपकी ये यूनिट है मानवीय मूल्यों के पोषण में। मानवीय मूल्यों के पोषण में किसका किसका? परिवार का, परिवार का, और फिर सामाजिक संस्थाओं का, और फिर क्या कह रहा है, सामाजिक संस्थाओं के बाद शैक्षणिक संस्थाओं का क्या रोल है या क्या भूमिका है मानवीय मूल्यों के पोषण में। प्रिय अभ्यर्थियों, आप देखें कि परिवार, सामाजिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं की मानवीय मूल्यों के विकास में भूमिका, ये आपकी यूनिट है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन पाएंगे या बनेंगे। तो अब परिवार पर भी 20 शब्द में कि भाई मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, फिर इसके बाद 50 शब्द में अगर आप कुछ उदाहरणों के साथ लिखेंगे, और 150 शब्द में। यही चीज़ सामाजिक संस्थाओं के साथ भी है और यही चीज़ हम शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भी देख सकते हैं कि तीनों पर 20 शब्द, 50 शब्द और 150 शब्द में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, यह विषय अत्यंत ही आसान है। मानवीय मूल्य क्या है? तो मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मानवीय मूल्य मनुष्य के वे गुण हैं जो उसके विचार, विश्वास, आचरण तथा व्यवहार, किसको किसको? विचार, विश्वास, आचरण तथा व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं और उस मानव के आत्मविश्वास एवं आत्मोन्नति में सहायक होते हैं। इन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं, यानी विचार, विश्वास, आचरण तथा व्यवहार। क्या क्या है? विचार, विश्वास, आचरण और फिर व्यवहार, ये हो गया आपका मेल, विचार, विश्वास, आचरण और व्यवहार। ठीक है, अब आप किस प्रकार का विचार करते हैं, किस प्रकार के विश्वास रखते हैं, किस प्रकार का आचरण करते हैं, विचार और विश्वास के आधार पर, और वही आचरण आपका व्यवहार के रूप में निर्धारित होता है। अब यदि आप सकारात्मक सोच रखते होंगे तो आपके विचार सकारात्मक होंगे, विश्वास आपका क्या होगा? मानवतावादी होगा, लोगों के साथ होगा, समावेशी विकास में होगा, समावेशन में होगा। और यदि आपका विश्वास वैसा है तो निसंदेह आपका आचरण क्या होगा? आप हमेशा कोई भी काम करेंगे, कोई भी अपना कदम जब भी आप उठाएंगे तो सबसे वंचित व्यक्ति का चेहरा याद करेंगे कि कोई भी काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आप भ्रष्टाचार या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, मूल्यों के विकास का मतलब। तो ये चार बातें, और उसके बाद इनकी मानवीय मूल्यों के पोषण में परिवार, सामाजिक संस्थाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये हमारा टॉपिक है। तो आप देखें प्रिय अभ्यर्थियों, आप देखें कि परिवार की भूमिका क्या हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर गांधी का एक उदाहरण लें तो ध्यान से आप समझेंगे, गांधी का उदाहरण, गांधी की माँ, वैष्णव धर्म की परंपरा में इनका लालन पालन हुआ, और एक गीत इनको बचपन से बड़ा ही लोकप्रिय था जो स्वाभाविक है उनकी माँ ही पूजा आराधना के समय गाया करती रही होंगी, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसका मतलब एक वैष्णव जन वह है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। और आप देखें कि जब वो बड़े होने लगे, यानी परिवार में उनको इसी चीज की शिक्षा मिली, गांधी जी को किसकी मिली? वैष्णव की, कि वैष्णव जन कौन होगा? जो दूसरों के दर्द को समझेगा, दूसरों के दर्द को समझेगा। तो यानी दूसरों के दर्द को समझने का जो वो मूल्य था, जो उन्हें परिवार से मिला था, उसने उनमें एक ऐसे मानवीय मूल्य का विकास किया जो लोगों के लिए अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर देने की विरासत का आधार बना। तो कहने का मेरा मतलब है कि परिवार का रोल क्या होता है, वो आप आसानी के साथ देख सकते हैं। इसको हम विस्तार से जब क्लासेस होगी तो चर्चा करेंगे। एक उदाहरण से हमने आपको यह बताया कि भाई परिवार है, आपको जो सकारात्मक मूल्य होते हैं, उचित कर्म, उदारता, स्वा जो है निस्वार्थ भाव से सोचना, न्याय की तरफ चलना, कठिन परिश्रम करना, नैतिक मार्ग पर चलना, ये सब हमें
परिवार से मिलते हैं तो हम एक खंड ये करेंगे। फिर इसके बाद हमारा सामाजिक संस्थाएं जो भी होती हैं, भाई सामाजिक संस्थाओं का मतलब परिवार भी एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। इसके अलावा जैसे सामाजिक संस्था है विवाह, इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं हमारी जो पंचायतें होती हैं, जैसे ढेर सारी आपने देखी जातीय पंचायतें होती हैं, जैसे खाप पंचायत और इस प्रकार की चीज़ें। अब वो हमें किस प्रकार के मूल्य सिखाती हैं उसी के आधार पर हमारा विकास होता है और फिर हम मैदान में या फील्ड में या सार्वजनिक जीवन में आकर के उसी प्रकार का काम करते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक संस्थाओं की मानवीय मूल्यों के पोषण में भूमिका क्या है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या, तो शैक्षणिक संस्थाओं में भूमिका का मतलब क्या हो गया कि भाई स्कूलों में किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि उसमें जो आपने अभी ऊपर देखे थे सुधारक, प्रशासक, महापुरुष, यदि उनकी जीवनियों के महत्वपूर्ण संदर्भ नैतिक शिक्षा के रूप में दिए गए हैं तो नेचुरल है कि जब वो पढ़ते पढ़ते जो गांधी के मूल्य रहे हैं, जो अंबेडकर के मूल्य रहे हैं या जो अन्य महापुरुषों के मूल्य रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर, उन अभ्यर्थियों के अंदर, उन बच्चों के अंदर वो अपने आप इनकलकेट हो जाएंगे मूल्यों के रूप में और जब वो बड़े होंगे तो उसी प्रकार के मूल्य को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि शैक्षणिक संस्थाओं की मानवीय मूल्यों के पोषण में भूमिका, या आपको ये समझना है कि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा किस प्रकार से मानवीय मूल्यों के पोषण में मददगार होती है। जैसे आप देखें, आपने अपने प्रीलिम्स की तैयारी के समय ढेर सारे डे याद किए होंगे कि किस दिन कौन सा दिन होता है, जैसे पर्यावरण दिवस कब होता है, आयोडीन दिवस कब होता है, जो है क्या सतत विकास दिवस कब होता है, विश्व कैंसर दिवस कब होता है, मधुमेह दिवस कब होता है, इसके अलावा ऐसे ढेर सारे। तो यानी अगर इस प्रकार के दिनों की शिक्षा कि आज का दिन ये है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, आज इस महापुरुष का जन्मदिन है या उनकी पुण्यतिथि है तो उनके जीवन के बारे में शिक्षक यदि पढ़ाएं, यानी पूरे 365 दिन जो संसार में घटित हो रहा है यदि वो बच्चों को परिचित कराया जाए, उनके मूल्यों से परिचित कराया जाए, तो नेचुरल है मानवीय मूल्यों के पोषण में शैक्षणिक संस्थाओं की सकारात्मक भूमिका हो पाएगी। तो हम इस खंड में इन्हीं सब विषयों पर विचार करेंगे। और वैसे भी आप देखें भाई शैक्षणिक संस्थाओं का मतलब क्या हो जाता है, जो संस्कृतियों का संचारण होता है वो कहाँ होता है, स्कूलों में होता है। संस्कृतियों का संचारण का मतलब क्या होता है भाई कि जो भी आपके परंपरागत मूल्य हैं, जैसे हम प्रार्थना क्या होती है, जनगणमन अधिनायक जय है, फिर इसके बाद वंदे मातरम से समापन होता है। तो यानी इस प्रकार से आपके सांस्कृतिक मूल्यों को जो है स्कूलों में ही सिखाया जाता है, सामाजिक कुशलता का विकास किया जाता है, उच्चतर मूल्यों का निर्माण किया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शैक्षणिक संस्थाओं की जो भूमिका है, इस भूमिका के आधार पर हम देखेंगे कि मानवीय मूल्यों के पोषण में इनका रोल क्या है। प्रिय अभ्यर्थियों, अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे 20 शब्द, 50 शब्द, 150 शब्द। अब सिंपल सा है, सामाजिक संस्थाओं की मानवीय मूल्यों के पोषण में भूमिका 20 शब्द, 50 शब्द, 150 शब्द। शैक्षणिक संस्थाओं की मानवीय मूल्यों के पोषण में 20 शब्द, 50 शब्द और 150 शब्द। तो बहुत आसान यूनिट है और हम लोग अच्छे से इसको जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बातचीत करेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, अब हमारी दूसरी यूनिट है जिस पर हम विचार करेंगे, वह है नैतिक संप्रत्यय। यूनिट 2 है हमारी, क्या है नैतिक संप्रत्यय, इसी को कहते हैं मोरल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? मोरल कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स को राजस्थान सिविल सर्विसेज के सिलेबस में आपके लिए रखा गया? पहला है रित एवं ऋण। क्या है? रित एवं ऋण। दूसरा कौन सा रखा गया है? कर्तव्य की अवधारणा, कर्तव्य की अवधारणा। और तीसरा कौन सा रखा गया है? वह है शुभ एवं सद्गुण। तो मैं शुभ को अलग लिख दे रहा हूं और सद्गुण को अलग लिख दे रहा हूं, हालांकि दोनों एक साथ है। प्रिय अभ्यर्थियों, अब आइए हम लोग देखें कि रित क्या है। तो रित क्या है? रित की अवधारणा वैदिक काल में सामने आती है, वैदिक काल में, और इसे नैतिकता से जोड़कर वहां देखा गया, नैतिकता से जोड़कर। यानी रित क्या है? एक नैतिक व्यवस्था है। क्या है ये? नैतिक व्यवस्था। तो अब रित पर आपसे क्या प्रश्न बनेगा कि भाई रित क्या है, तो आप बताएंगे कि रित एक नैतिक व्यवस्था है और
इसका उदय वैदिक काल में हुआ और जो इनके लिए निर्धारित देवता थे उनका नाम क्या था? वरुण। यानी वरुण देवता को वैदिक काल में क्या कहा गया? ऋतस्य गोपः। क्या कहा गया? जो ऋत के राजा, यानी कि जो नैतिकता के संरक्षक देवता है, कौन है? वरुण। तो वैदिक काल में यह अवधारणा निकल करके आई कि जो सनातन प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें एक संतुलन बना रहे, इसी के लिए ऋत की अवधारणा को सामने लाया गया। यानी यह वह तत्व है जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखता है या लाता है। धार्मिक स्थिति का मतलब धर्म इति धार्यते, धर्म का मतलब क्या होगा? धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य और हमेशा अच्छाई को ही धारण किया जाता है। तो अंततः ऋत का मतलब क्या हो गया? कि जो अच्छाई है उसको आप धारण करें। तो ऋत का कॉन्सेप्ट यह है। इसके बाद ऋण की अवधारणा है। ऋण का मतलब क्या होता है भाई? ऋण वह है जो किसी से मांगा या लिया जाता है, इसे हम सामान्य अर्थों में समझते हैं। परंतु यह शब्द जब मूल्यों से जुड़ जाता है, जब उसे हम मॉरल कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? यह शब्द नैतिक दायित्वों को प्रकट करता है। नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व का मतलब क्या होता है? कि भाई इस सभ्यता एवं संस्कृति के सृजन में जिनकी भूमिका रही है, एक मानव के भी सृजन में, यानी अपने पूर्वजों को आप याद करें और उनके कार्यों को आप सम्मान दें। ऋण का मतलब ये होता है कि जिन्होंने इस सभ्यता, इस संस्कृति, इस राष्ट्र की और स्वयं मानव के सृजन में अपनी भूमिका निभाई है, उनको आप सम्मान दें। और जब आप सम्मान देंगे दूसरों को, तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा इंसान बन करके उभरेगा जो क्या होगा? संस्कारी होगा और दूसरों का सम्मान करता होगा। और जब वो व्यवस्था में जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो एक गुड गवर्नेंस की स्थापना की तरफ सिस्टम को लेकर के जाएगा। राजस्थान पीसीएस ने ऋत और ऋण की अवधारणा को इसी उद्देश्य से सिलेबस में रखा। तो आपको अच्छे से पता है ऋण कितने होते हैं भाई, या ऋण मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब ऋण कितने होते हैं? नेचुरल है। ऋण क्या है भाई? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, जीव ऋण। अतिथि ऋण के बाद जीव ऋण। यानी कहने का मतलब क्या है? ऋण का मतलब कि जिन देवताओं ने प्राचीन संस्कृति में इसको बड़ा महत्व दिया गया, वैदिक काल में इसको बहुत महत्व दिया गया, कि मतलब ऋण का मतलब जैसे देव हो गया, देव ऋण। यानी जिन देवताओं ने सृष्टि के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके प्रति आप सम्मान प्रकट करें। यह एक प्रकार से सामूहिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। ऋषियों, जिस प्रकार ऋषियों ने हमें ढेरों वेद दिए और उन वेदों में किस प्रकार से जीवन को, किस प्रकार से समाज को, किस प्रकार से राजनीति को, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को, किस प्रकार से वैश्विकता को धारण किया जाए, वह मूल्य दिए। तो आवश्यकता इस बात की थी उन ऋषियों के प्रति भी हम अपने सम्मान को प्रकट करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा, अर्थवेदा, जिन्होंने भी इनकी रचना करी उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। जिन्होंने हमें 16 संस्कार दिए, जिन्होंने न जाने हमें कितनी स्मृतियां एवं धर्मसूत्र दिए, उन सबके प्रति सम्मान प्रकट करना ऋषि ऋण है। यदि आज के समय में इन ऋषियों को देखें तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे लिए अनेकों नवीन चीज़ों का आविष्कार करते हैं, उनके प्रति इसी प्रकार का कहीं ना कहीं हमें सम्मान प्रकट करना चाहिए। वही इसके अंतर्गत भाव छुपा हुआ है। जैसे इसरो, इसरो ढेर सारे नित नए आविष्कार कर रहा है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इसरो के महत्व को समझें और उन्हें सम्मान प्रकट करें। इसी प्रकार से जो लोग भी नवाचार और वैज्ञानिकता के नए नए आविष्कारों से जुड़े हैं, उन्हें हमें सम्मान प्रकट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को आगे ले जाने के लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, जिसके कारण से हम सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद पितृ ऋण, यानी हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा परदादा, इन लोगों ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम उनके प्रति भी अपने सम्मान को प्रकट करें। इसका मतलब क्या होता है? कि कहीं ना कहीं यदि आप इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो जो पीढ़ियों की परंपरा है उसको आप बेहतर ढंग से आगे लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार से अतिथि ऋण, अतिथि देव भव, इसका मतलब क्या होता है? कि अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। अतिथियों का सम्मान करने का मतलब क्या हो गया? कि मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आता है, आपके समक्ष आकर के वो प्रतिवेदन करता है कि मुझे
ये काम कराना है या ऐसे कराना है, तो आप उसको एक अतिथि माने और उसके साथ अत्यंत सम्मान का भाव करें, जिससे कि वो आपके कार्यालय से जब बाहर निकले तो वो महसूस करे कि हाँ, मैं किसी शिष्ट किसी संस्कारी व्यक्ति से मिल करके आ रहा हूँ और प्रशासन के प्रति उसका एक जुड़ाव स्थापित हो जाए। इसी को हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज और आप यानी प्रशासन के बीच में एक अच्छे संबंध का बनना। जीव ऋण का मतलब क्या होता है कि भाई मानव के इर्द गिर्द ढेर सारे जीव जगत के प्राणी रहते हैं, तो कहने का मतलब जो मानव के साथ इस पूरे वातावरण को साझा कर रहे हैं उन सबके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं। ये क्या है, ये जीव ऋण जैव विविधता के संरक्षण की अवधारणा को आप सबके समक्ष लेकर के आ रहा है। तो जीव ऋण का मतलब ये है कि हम भाई पारिस्थितिकियों पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, क्योंकि मानव का अस्तित्व इन्हीं के साथ लगा हुआ है। अब ये क्या हो गया, ये एक प्रकार की पर्यावरणीय नैतिकता की बातचीत चल रही। किस चीज की, पर्यावरणीय नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स। तो नैतिक प्रत्यय में ऋण का मतलब उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब आप विचार करें ऋतियों ऋण पर, अगर इकट्ठा क्वेश्चन आता है तो आप नेचुरल है वो 20 शब्द में आए, 50 शब्द में आए, 150 में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए अंतर भी पूछता है तो ऋतियों ऋण के मध्य आप आसानी के साथ अंतर भी लिख सकते। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहना यही चाह रहा हूँ कि ये सब विषय अत्यंत ही आसान है। आप बस विश्वास रखें, सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें, इसके बाद यूनिट दर यूनिट हम लोग लेक्चर के माध्यम से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रिय अभ्यर्थियों, अब देखें कर्तव्य की अवधारणा का मतलब क्या है। कर्तव्य की अवधारणा, अब देखिए कर्तव्य शब्द का अभिप्राय, सबसे पहले आप ये देखें कि कर्तव्य शब्द का अभिप्राय क्या है। कर्तव्य की अवधारणा या उसके पहले हमें कर्तव्य शब्द देखना है। कर्तव्य का मतलब, कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, नैतिक प्रतिबद्धता की बात हो रही है, नैतिक प्रतिबद्धता। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, नैतिक प्रतिबद्धता का मतलब कि यदि आप शिक्षा शास्त्री हैं, यानी आप शिक्षा दे रहे हैं जैसे हम लोग हुए, या आप अगर कहीं अध्यापक हैं या इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, यदि आप समाज शास्त्री हैं, यदि आप अर्थशास्त्री हैं, यदि आप पर्यावरणविद हैं, या ETC, ढेर सारी चीजें, यानी आप किसी भी विभाग में हैं। प्रशासक वाला तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो वो मैंने ETC में ही आप समझ लीजिए, प्रशासक या अन्य कोई सेवा। तो यानी आपको जो भी कार्य मिलता है उसके प्रति आपकी नैतिक प्रतिबद्धता, यही है कर्तव्य की अवधारणा। कर्तव्य की अवधारणा, अब इसके कई आधार हैं, इसको हम जो है मोरल फिलोसफर्स के अवधारणा से भी पढ़ेंगे। जैसे इमैनुअल कांट साहब का सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, हम उसको भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा गीता में कर्तव्य के बारे में क्या कहा गया या वेदों में कर्तव्य के बारे में क्या कहा गया, हम उसको भी पढ़ेंगे। और फिर इस कर्तव्य को पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अधिकारियों कर्तव्य में क्या संबंध है। भाई आपके पास राइट है तो आपके कुछ कर्तव्य में है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए अधिकारियों कर्तव्य को आप संविधान को आप देखें, संविधान में क्या है, जहां आपके मूल अधिकार हैं वहीं आपके मूल कर्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया है। तो यानी अधिकारियों कर्तव्य परस्पर एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, और ये किस लिए है, नैतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कि भाई संविधान ने आपको आधार दिया हुआ है मूल अधिकार के रूप में, कि यदि राज्य के किसी भी कार्य से आपके मूल अधिकारों का क्षरण होता है या नुकसान होता है या किसी प्रकार से उनमें कमी आती है, तो आप संवैधानिक उपचारों अनुच्छेद 32 के तहत संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जा करके क्या कर सकते हैं, उपाय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपके यह अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं तो आपका भी दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है, कर्तव्य, कि आपके यदि अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य इस प्रकार से होने चाहिए कि जिससे कि आप नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है।
तो ये चीज आप समझ सकते हैं। अब यहां से आप देखें प्रश्न कैसे बनेगा, विचार करें, तो सिंपल सी बात है, 20 शब्दों में अगर बनाना होगा 20 वर्ड्स में, तो कर्तव्य की अवधारणा क्या है। अगर इससे ऊपर बनाना होगा 50 या 150 में, तो लिख देगा कि कर्तव्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, अधिकार एवं कर्तव्य में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, सो उदाहरण स्पष्ट करिए, तो 150 शब्द का हो जाएगा, जो हम जब क्लास चलेगी तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, जो चीजें मैं बार बार कह रहा हूं। अब इसी प्रकार से जो तीसरा वर्ड है इस यूनिट का, वो है शुभ एवं सद्गुण, दोनों की बातचीत कर रहा है। क्या है शुभ एवं सद्गुण? अब सबसे पहले तो ये समझे भाई, शुभ एवं सद्गुण का सिलेबस में रखने का प्रयोजन क्या है। ये दोनों मानवीय आचरण एवं चरित्र के मूल्यांकन एवं मानवीय आचरण एवं चरित्र के मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। क्या है? मानवीय आचरण एवं चरित्र के मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सिंपल सी बात है, शुभ का मतलब क्या होता है? गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, यानी जो अच्छा हो वही कार्य करना। अब अच्छा कार्य कैसे करेंगे? तो नेचुरल, अच्छा कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपके मूल्य मजबूत होंगे। अच्छा कार्य कैसे कर पाएंगे? जब आपके मूल्य मजबूत होंगे। मूल्य मजबूत होने का मतलब क्या हो गया? जब आप सद्गुणी होंगे, जब आप साधन एवं साध्य के मध्य समन्वय रखेंगे, जब आप अपने हितों के साथ दूसरों के हितों को भी महत्व देंगे, तब जाकर के आपके अंदर शुभ गुणों का विकास होगा, आपके कार्यों का परिणाम भी शुभ होगा। तो शुभ का मतलब सिंपल सा ये है। सद्गुण क्या है? सद्गुण का मतलब होता है सद धन गुण, यानी ऐसे गुण जो सतत अभ्यास से प्राप्त किए जा सके। सद धन गुण, तो सद धन गुण यानी सद को इधर ले लीजिए, गुण को अलग, तो यानी जो सतत अभ्यास से अर्जित किए जाएं, सतत अभ्यास से, किससे? जो सतत अभ्यास से अर्जित किए जाएं उन्हें हम सद्गुण कहते हैं। या कहने का मेरा मतलब है कि सद्गुण क्या है? सतत अभ्यास का मतलब है कि यह कहीं ना कहीं जब अपने आचरण में आप लगातार अच्छे काम करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, तभी जाकर के सद्गुणों का विकास होगा। जैसे मान लीजिए आप, साहस क्या है? सद्गुण है। इसी प्रकार यदि आप न्यायशील बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा सत्य का पक्ष लेना पड़ेगा, तभी आप न्यायशील हो पाएंगे। इसी प्रकार यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपको लगातार उसी प्रकार के कार्य करने होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि सद्गुण, साहस, संयम, इस प्रकार के जो सद्गुण होते हैं वो लगातार आचरण करने से आते हैं। तो सद्गुण का अर्थ ये हो गया, लगातार किसी भी अच्छे कार्य का आचरण करें तो आपके अंदर सद्गुणों का विकास हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब शुभ एवं सद्गुण, अब दोनों को एक साथ पूछे या अलग अलग करके पूछे या दोनों के मध्य अंतर करके पूछे, चाहे 20 शब्द में पूछे, चाहे 50 में, चाहे 150 में, हम आसानी के साथ इसको लिख पाएंगे। तो हमें यही समझना है कि यह जो यूनिट है अत्यंत ही सहज, सरल एवं आसान है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम बहुत आसानी के साथ इसको सीख पाएंगे जो हमारी क्लासेस वाले वीडियो होंगे।